हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी सारे नू। आज दी वीडियो दे विच तुहाडे लई पंजाब जीके दे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लैके आया जी। जेकर तुसी किसी भी कंपटीशन एग्जाम दी तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन तुहाडे लई बहुत ज़्यादा काम आने वाले ने जी। तो वीडियो नू एंड तक जरूर देखियो जी, जे चंगी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करियो। तो जेकर तुसी चाहते हो कि असं इस तरह की होर वीडियो लैके आईए तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आप दी वीडियो। तो सब तो पहला क्वेश्चन जी, जिवें तुसी स्क्रीन दे उपर देख रहे हो, विच इज़ द मोस्ट फेमस सिटी इन पंजाब, पंजाब का सब तो मशहूर शहर केड़ा है? तुहाडी ऑप्शनस ने जी लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला। तो इसका करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, अमृतसर। हुण आपां चलते अगले क्वेश्चन पर। तो सैकेंड क्वेश्चन है जी, हु इज़ द फस्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? ऑप्शनस ने जी बीबी जगीर कौर, किरण बेदी, रजिंदर कौर भट्ठल, मिस सीमा रॉय। तो इसका करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, रजिंदर कौर भट्ठल। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, हु वॉज़ द फस्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब का पहला गवर्नर कौन सी? तो यदि ऑप्शनस ने जी मिस्टर चंदू लाल त्रिवेदी, बंसी लाल, गोपी चंद या फिर अमरिंदर सिंह। इहदा करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मिस्टर चंदू लाल त्रिवेदी। फोर्थ क्वेश्चन है जी, हु इज़ द फस्ट लेडी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पंजाब, पंजाब की पहली महिला डिप्टी कमिश्नर कौन है? तो यदि ऑप्शनस ने जी मिस विनी चौहान, मिस विनी महाजन, मिस किरण बेदी या फिर इन्हां दे विच्चों कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, मिस विनी महाजन। तो पंजवां क्वेश्चन है जी, विच इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब का सब तो वड्डा जिला केड़ा है? ऑप्शनस ने जी फतेहगढ़ साहब, मानसा, मोरिंडा ते फिरोजपुर। तो इहदा करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, फिरोजपुर। फिरोजपुर पंजाब का सब तो वड्डा डिस्ट्रिक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, पंजाब का सब तो छोटा जिला केड़ा है? तो यदि ऑप्शनस ने जी मोगा, पठानकोट, फतेहगढ़ साहब या बठिंडा। तो इसका करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, पठानकोट। पठानकोट पंजाब का सब तो छोटा जिला है। हुण आपां अगले क्वेश्चन पर चलांगे जी, क्वेश्चन नंबर 7 पर। वैन वॉज़ द पंजाब अनैक्सड विद ब्रिटिश रूल, पंजाब का अंग्रेज़ हुकूमत नाल मिलाप कदों होया? तो यदि ऑप्शनस ने जी 1829, 1839, 1869 या फिर 1849। तो इहदा करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, 1849। 1849 दे विच पंजाब का मिलाप होया सी ब्रिटिश रूल दे नाल। हुण आपां अगला क्वेश्चन देखांगे जी, वैन वॉज़ द पंजाबी यूनिवर्सिटी एस्टैबलिश्ड एट पटियाला, पटियाला विखे पंजाबी यूनिवर्सिटी की स्थापना कदों हुई सी? तो ये ऑप्शनस ने जी 1930, 1940, 1950 या फिर 1960। यदा करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, 1960 के पटियाला विखे पंजाबी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई सी जी। हुण आपां अगला क्वेश्चन देखांगे, पंजाब विच पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की स्थापना कदों हुई सी? वैन वॉज़ द पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एसटैबलिश्ड इन पंजाब? तो ये ऑप्शनस ने जी 1969, 1959, 1949 या फिर 1913। इहदा करैक्ट आंसर है जी 1969, ऑप्शन ए। तो हुण आपां चलदे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। वेयर इज़ द सिख हैरीटेज कंपलैक्स डिवेलप्ड, सिख हैरीटेज कंपलैक्स कित्थे विकसित होया है? तो इहदे ऑप्शनस ने जी ऑप्शन ए, मानसा, बी अमृतसर, सी रोपड़ या फिर डी आनंदपुर साहब। तो इहदा करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, आनंदपुर साहब। सिख हैरीटेज कंपलैक्स आनंदपुर साहब विखे विकसित होया है। तो नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। हुण आपां अगला क्वेश्चन है जी, हु इज़ द फस्ट पंजाबी नॉवलिस्ट टू गैट जननपीठ अवार्ड, जननपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पंजाबी नॉवलकार कौन है? तो इसकी ऑप्शनस ने जी सरदार नानक सिंह, सरदार गुरदयाल सिंह, सरदार गुरदयाल दुग्गल या फिर सरदार नानक दुग्गल। इहदा करैक्ट आंसर है जी सरदार गुरदयाल सिंह, ऑप्शन बी। तुसी गुरदयाल दुग्गल ते गुरदयाल सिंह दे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना है जी, इसका करैक्ट आंसर है सरदार गुरदयाल सिंह जी। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है, पंजाबी की वरतों कदों लाजमी की गई सी? वैन वॉज़ द यूज़ ऑफ पंजाबी मेड कंपलसरी इन द ईयर? ऑप्शन ने जी ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992 ते ऑप्शन डी 1994। इहदा करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी 1992। 1992 दे विच पंजाबी दी वरतों लाजमी कर दित्ती गई सी। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां जी, क्वेश्चन नंबर 13 ते। हु इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब, तां इसका आंसर तां तुहानूं पता ही होवेगा, इसका करैक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बनवारी लाल, जो कि पंजाब दे मौजूदा राजपाल ने जी। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखांगे, क्वेश्चन नंबर 14। पंजाब दी सब तो वड्डी अनाज मंडी कहड़ी है? विच इज़ द बिगेस्ट ग्रेन मार्केट इन पंजाब? तो इहदी ऑप्शन ने जी ऑप्शन ए मोरिंडा, बी मानसा, सी कोटकपुरा या फिर डी खन्ना। तो इसका करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, खन्ना। खन्ने दे विच पंजाब की सब तो वड्डी ग्रेन मार्केट है जी। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन पर चलांगे, क्वेश्चन नंबर 15। वैन वॉज़ द ट्रिटी ऑफ अमृतसर हेल्ड ऑन, अमृतसर की संधि कदों हुई सी? इसकी ऑप्शनस ने जी ऑप्शन ए 1805, बी 1806, सी 1807 या फिर डी 1809। तो इसका करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी 1809।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ। ਵੈਨ ਵਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੈਪਸੂ ਮਰਜਡ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ 1950, 1952, 1953 ਜਾਂ ਫਿਰ 1956। ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1956। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸਨ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 2011 ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਸ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ? ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 2,43,89,296। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2,77,04,236। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 2,44,99,296। ਤੇ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2,44,88,296। ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 2,77,04,236, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ ਜੀ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਨੀਅਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਇਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੋਢੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਕਪੂਰ, ਮਾਸਟਰ ਅਕੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਗੁੱਡਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਬੀ ਮਾਨਸਾ, ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਡੀ ਖੰਨਾ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।